बिहेवियरल साइंस में कहा जाता है ना कि बड़े लीडर को टारगेट कीजिएगा तो बड़ा जल्दी बनिएगा, वही पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। आप बड़ा नेता का चापलूसी कीजिएगा तो आप भी तुरंत बड़ा नेता बन जाइएगा। ये भी भूख के चाटने वाली राजनीति, इसी को कहते हैं। सवाल हम पूछते हैं मोदी जी से और तकलीफ आपको हो जाती है। कहे नहीं होगी, नेता है आपके भी नेता, अभी कहे कि मेरे प्रधानमंत्री है, कहा नहीं तकलीफ होगा। चार साल से जो व्यक्ति 70 दशकों के कूड़े को साफ कर रहा है, उस पे आप लोग अटैक पे अटैक पे अटैक करेंगे तो कहे नहीं दुख होगा। हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली आपको और आपके पूरे परिवार को अमृत वॉयस चैनल की ओर से। आइए सुनते हैं एक शानदार डिबेट जो आरएसएस की युवा नेता शुभराष्ट्रा और जेएनयू से कांग्रेस में आए टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर कन्हैया कुमार एंड कंपनी। हमको पॉलिटिक्स करना ही नहीं है भैया, हम सक्रिय राजनीति में है नहीं, आपकी तरह टिकट आर्थी नहीं है, टिकट नहीं मांगने जा रहे हैं। सिक्योर मत होइए, हम खाली सवाल पूछेंगे उस तरफ बैठ करके। हाँ, आप करिए राजनीति। मैं आज कह रही हूँ फोन रिकॉर्डिंग या दस्तावेज ये नहीं देंगे। वाह क्या एक्टिंग कर। सवाल हम पूछते हैं मोदी जी से और तकलीफ आपको हो जाती है। कहे नहीं होगी, नेता है ना, हमारे नेता है, आपके भी नेता, अभी कहे कि मेरे प्रधानमंत्री है, कहा नहीं तकलीफ होगा। चार साल से जो व्यक्ति 70 दशकों के कूड़े को साफ कर रहा है, उस पे आप लोग अटैक पे अटैक पे अटैक करेंगे तो कहा नहीं दुख होगा। झूठों का वोट थोड़ी दिए थे हम लोगों का, टैक्स पेयर का पैसा इतना लगता है हर बार इलेक्शन में, आप लोगों के खाली फालतू सवाल सुनने के लिए थोड़ी होता है। कंस्ट्रक्टिव सवाल पूछिए ना जी, हम तो कह रहे हैं पूछिए। मोदी जी से आपको कुछ खास? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या मुंह में, मैं क्या बताऊं? ये तो मुद्दे लगा सारा। बिहेवियरल साइंस में कहा जाता है ना कि बड़े लीडर को टारगेट कीजिएगा तो बड़ा जल्दी बनिएगा, वही पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। अच्छा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री को आप पसंद करती हैं, आप उन्हीं के खिलाफ नहीं सुन पाएंगी, जिनकी स्ट्रैटेजीज आपको नहीं पसंद आई उनके खिलाफ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं सुन रही। मैडम आप लोगों की बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने की है, मैं नेता नहीं हूँ, आप लोग ये सब राजनीति नेताओं के साथ कीजिएगा, समझी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। सुनिए हम क्या बोले, आप बता दीजिए। हाँ, सुन लीजिए। नहीं बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, आपके लिए ताली बजती है तो आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ आए हुए लोग हैं, जब कन्हैया के लिए ताली बजती है। मैं आपकी इस हल्की बात का जवाब नहीं दूंगी, जो मुद्दा है उस पे बोलूंगी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये कहा है कि एक व्यक्ति जो पिछले 7 दशकों का कूड़ा साफ कर रहा है, उस पर अगर इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, गुस्सा मुझे उससे आता है। आप, मैं तो बार बार कह रही हूँ, घोषित तौर पर कह रही हूँ, मीडिया एकेडमिया डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गए? नहीं, मुद्दे हैं ये, मुद्दे सारे पे सब... जो साक्षी कह रही है वो भी मुद्दे हैं, बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर ठीक नहीं था, ये बहुत कर, मैंने बोला है, ये मैंने बोला है साक्षी जी, विचारधारा की बात कर रही है भाई। मजा आया, सब्र करो। अरे तो आपको कि फिर आपसे कौन से सवाल किया गया? जी ने कहा है ये, मोहन भागवत जी ने कहा है ये, मैं क्यों जवाब दूं ऑनलाइन ट्रोल्स का? मैं ऑनलाइन ट्रोल की रिप्रेजेंटेटिव हूँ क्या जो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी? आप लोग बनाना चाहते हैं पर मैं हूँ नहीं वो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, डेमोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप बात समझ लीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं युवाओं को मुखातिब होकर ये बात कह रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी से जिसको सवाल पूछने हैं, जिन नेताओं को, जो युवा सवाल पूछ रहा है पूछने दीजिए, जो पूरी तरह से विशुद्ध युवा है, लेकिन जो राजनीति करने आया है वो मेरे जैसा युवा उसके पूरे सवाल को नकारेगा अगर वो मॉडल और ऑपोजिशन और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के साथ नहीं आएगा। इस सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। किसी को मिर्च लगती हो लगे, लेकिन हमको इतना पता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही हमारे देश को आगे ले जा सकता है, तो मैं अपनी पॉलिटिक्स बहुत ही स्पष्ट रूप से रखती हूँ। हाँ, वो तो कह रहे हैं यही राष्ट्रवाद देश को तोड़ रहा है, यही राष्ट्रवाद आपका जो है कहने के लिए तमाम राष्ट्रवाद देश को बांट रहा है। अब वो फर्जी है कि नॉन फर्जी है ये तो जनता डिसाइड करेगी, नहीं चार तथाकथित लोग तथाकथित इंटेलेक्चुअल जेएनयू में बैठ के थोड़ी डिसाइड कर लेंगे, देश की जनता डिसाइड करेगी कि ये डिसाइड करेंगे। सवाल तो हम आपसे पूछ ही नहीं रहे थे। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? अब तो सच बोल छोड़ी के, थूक के चाटने वाली राजनीति, इसी को कहते हैं। थूको और भागो, स्पिट एंड स्कूट पत्रकारिता और स्पिट एंड स्कूट पॉलिटिक्स, यही दोनों का एक साथ काट है टुकड़े गैंग का। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।
दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।